इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास। सीधा सा तर्जुमा ये है कि महारिम से बचो। इत्तकिल महारिम, महारिम महरम यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया है, इत्तकी उनसे बच जाओ। जब उनसे बच जाओगे तो फिर क्या बन जाओगे? तकुन अबदन नास, तो तुम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओ। जितने भी इंसान हैं उनमें सबसे ज्यादा इबादत गुजार कौन है? जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अभी मजमे में पूछूं कि जरा बताओ सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है, तो कहेंगे जो सबसे ज्यादा तस्बीह पढ़ता हो, जो सबसे ज़्यादा नमाजें पढ़ता हो, जो सबसे ज़्यादा तहज्जुद पढ़ता हो, जो इशराक की और चाश्त की और अब्बाबीन की पाबंदी करता हो। ये छोटा सा हमारे जहन में जो इबादत का मफहूम है, इससे ये भी मालूम, ये नहीं कहा जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ता हो वो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार है, ये भी नहीं कहा कि जो सबसे ज़्यादा रोज़े रखता हो वो इबादत गुजार है, ये भी नहीं कहा कि जो सबसे ज़्यादा उम्रे करता हो और हज करता हो वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। ये सब नहीं फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो शख्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बच जाए। अल्लाह ने सूद हराम कर रखा है, सूद से बच जाए। सूद से बचना इबादत और सूद को करना हराम। अल्लाह ने शिर्क को हराम करार दे रखा है, शिर्क से बचना इबादत और शिर्क को अंजाम देना हराम। इस हराम से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार। सूद से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार। रिश्वत हराम है, रिश्वत से बचो, इबादत है। किसी का माल मारना हराम है, उस माल मारने से बच जाओ, ये इबादत है, ये इबादत है। टखनों से ऊपर पाजामा पहनना जायज, नीचे पे लटकाना हराम, इस हराम से बच जाओ, इबादत। सर पर टोपी रखना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नमाज में भी और गैर नमाज में भी। चेहरे पर दाढ़ी रखना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और वाजिब है। कटाना हराम, इस हराम से बच जाओ, इबादत। तो जितनी भी वालिदैन की नाफरमानी करना हराम, इस हराम से बचो, फर्मा बर्दारी करो, इबादत। दूसरों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आना ये अच्छी चीज है, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना अपनी बातों से अपने अमल से ये हराम है, इस हराम से बच जाओ, इबादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा जुमला फरमाया, अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बच जाओ। तकुन अबदन्नास, जितने भी लोग हैं, जितने भी बज़ाहिर इबादत करने वाले हैं, उन सब में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। सबसे बड़ा आबिद, सबसे बड़ा इबादत गुजार, यह है इबादत, यह है इबादत। इबादत का मतलब है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी, अल्लाह की इताअत। इसी इताअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लाह के, अल्लाह ने वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क वमा उरीदु अन युत्इमून। मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क, मुझे उनसे रिज्क रोजी नहीं चाहिए। वमा उरीदु अन युत्इमून, और न ये मकसद है कि वो मुझे खिलाएं, मुझे दे। क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह वर्रज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तबारक व तआला तो सबको रिज्क देता है, उसके पास ताकत भी है, मजबूत भी है। यानी किसी और मकसद के लिए नहीं, अल्लाह ने जो पैदा किया है वो इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम अपनी उस इबादत में, उस बंदगी में हम पूरे उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं, तो फिर हम कामयाब हैं। और अगर उसमें कोताही हो रही है, उसमें ढीलापन है, सुस्ती है अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इताअत में, तो फिर नाकाम है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा नाकाम है, कम है तो कम नाकाम है। अगर हम अल्लाह की ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, अगर हम उसमें कोताही करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, बलाएं आती हैं। सीधी सी बात है, मिसलन आपने घड़ी ली, घड़ी ली टाइम देखने के लिए। जब तक घड़ी सही सही वक्त बता रही है, आपके काम की है,
आप उससे मोहब्बत करोगे, आप उसको हाथ में बांधोगे। अगर थोड़ी सी कमी हो गई तो आप सुधरवाओगे। अगर जब भी नहीं सुधरती है, मिस्त्री ने कहा बिल्कुल अब सुधरने वाली नहीं है, तो क्या करेंगे? कबाड़ खाने में फेंक दिया जाएगा। यही होगा किसी भी चीज को। ये तो एक अकली बात है, समझ में आने वाली बात है। जिस मकसद के लिए आपने कोई चीज ली, बनाई, घर बनाया आपने रहने के लिए, कपड़े बनाए आपने पहनने के लिए, अगर वो पहनने के काम में आ रहे हैं तो आपके काम के हैं, आप उसे मोहब्बत करेंगे, आप उसको प्रेज भी करेंगे, धुलवाएंगे भी। जब इस काम के नहीं रहेंगे वो, तो क्या करेंगे? उसको फेंक दिया जाएगा फाड़ करके बाहर, जाओ उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसानों को और जिन्नात को इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। जब मुसलमान, जब इंसान अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे, उसकी इबादत नहीं करेंगे, तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया है उस मकसद में वो नाकाम है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला छटाई शुरू करेगा। और फिर ये होगा, कुरान में है कि अगर तुम उस मकसद से सरताबी करोगे, सरकशी करोगे, तो इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जगह दूसरों को लाएगा। तुम मलायकुम अमसालकुम, फिर तुम्हारे जैसे लाखेरे और नाफरमान नहीं होंगे वो। सीधी सी बात है। तो अल्लाह ने जो जिंदगी दी है अपनी इताअत के लिए दी है, अपनी बंदगी के लिए दी है, अगर हम इसमें नाफरमानी करते हैं तो वो हम अपने मकसद में नाकाम। और इबादत और बंदगी का मतलब, अल्लाह ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया है उनको करना, और जिन बातों से रुकने के लिए कहा है उनसे बच जाना, बल्कि जिनसे रुकने के लिए कहा है हदीस पाक में तो यही है कि जिनसे अल्लाह ने जिनको हराम करार दिया है उन हराम चीज़ों से रुकना, ये ज़्यादा बड़ी इबादत है। बिल्कुल ऐसा ही समझे, कोई बीमार हो तो डॉक्टर साहब दो काम करते हैं, दवा भी देते हैं कि ये पियो ये खाओ, और परहेज भी बताते हैं परहेज करो। दोनों काम आदमी करेगा, दवा भी खाएगा परहेज भी करेगा, तो उसको जल्दी शिफा हो जाएगी, जल्दी सेहत हो जाएगी। अगर दवा खाता रहे परहेज ना करे तो ठीक नहीं होगा। ऐसा ही है जैसे पानी ले रहे हैं आप किसी बर्तन में और नीचे से उसमें सुराख है, पानी तो जाएगा बर्तन में लेकिन नीचे से निकल जाएगा वो। यही है, एक है आमाल को करना और एक है हराम चीजों से बचना। तो हराम चीजों से बचना ये परहेज है उन आमाल के मुअस्सिर होने के लिए। यानी गोया हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी जकात, हमारे सदकात, हमारे अतियात, हमारी खैर खैरात तभी मकबूल होंगे सही तरीके से, उनका असर जब ही मुरतब होगा ठीक तरीके पर, जब हम अल्लाह ने जो हराम चीज़ें करार दी हैं उनसे बच जाए, तब उनका असर आएगा, तब जो है हमारी ज़िंदगियां बदलेंगी, तब मुसलमानों का मुआशरा बदलेगा। और ये सब जानते हैं कि दवा खाना तो आसान होता है, परहेज करना आसान नहीं होता। तो इसलिए आमाल को करना तो आसान है, नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन गुनाहों को छोड़ना ये मुश्किल होता है। गुनाहों को छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए आप देखेंगे कि एक आदमी नमाजी भी है पक्का, लेकिन उसके मामला उठा करके देख लीजिए, जब वो बेचता है, जब वो खरीदता है, जब किसी से कोई मामला करता है, जब किसी से कोई बात करता है, जब बात करता है तो इसका लिहाज नहीं रखता कि दूसरों को मेरी बात से नाजायज तकलीफ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। घर में वालिदैन के साथ, एक पक्का नमाजी भी ये कर सकता है, वालिदैन जिंदा है लेकिन उनकी खिदमत नहीं करता, उनकी नाफरमानी करता, ये हराम है। किसी का नमाजी भी है लेकिन दूसरे का माल भी मार रखा है, नमाजी भी है लेकिन सूद भी लेता देता है। ये ऐसा ही है जैसे दवा तो खा रहा हो लेकिन परहेज न कर रहा हो। दोनों बातें जब जमा होंगी तब इबादत अपना असल रंग लाएगी। इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस जुमले में, प्यारे से जुमले में, मुख्तसर से जुमले में इरशाद फरमा दिया, इत्तकिल महारिम, अल्लाह ने जो चीज़ें हराम करार दे दी हैं उनसे बच जाओ, तकुन अबदन्नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे।